जागरूकता के कार्यक्रम को जितनी तेजी के साथ हम बढ़ा सकते हैं हमें बढ़ाना पड़ेगा। हर एक स्तर पर लोगों को इसके प्रति जागरूक करना पड़ेगा। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आती है और मार्केट में आने के साथ ही प्रत्येक नागरिक को लग नहीं जाती, तब तक किसी भी स्थिति में हमें लापरवाह नहीं होना है, न किसी को लापरवाह बनने देना है। पॉजिटिविटी रेट को भी नियंत्रित करना और साथ साथ डेथ रेट को कंट्रोल करना, बेहतर सर्विलांस के माध्यम से ही आप इसको कर सकते हैं, और इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम इसको देखें। लेकिन साथ साथ हमें विकास की कार्यों को भी अब आगे बढ़ाना होगा। परियोजनाओं के बारे में जो चीजें अभी हम देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जो पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार के कारण एसआईटी की भेंट चढ़ी हुई है। एसआईटी की जांच फाइनल स्टेज में है, लेकिन तब तक हमने विभाग से कहा है कि भाई इसमें कैटेगरी तय कर लें, कौन परियोजनाओं को विभाग कंप्लीट कर सकता है, किन को नहीं कर सकता। बाद में इसमें एफआईआर लॉन्च की कार्रवाई, फिर वसूली की कार्रवाई, ये सारी चीजें होंगी, फिर इसको हम लोग अलग से फिर इस प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। लेकिन जो परियोजनाएं चल रही हैं, प्रत्येक परियोजना के लिए प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारी तैनात करते हुए इन परियोजनाओं का नियमित रूप से भौतिक सत्यापन होना, परियोजनाओं का समयबद्ध ढंग से और गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न होना, यह हर जनपद में सुनिश्चित किया जाए। खासतौर पर काशी के नाते ये पूरी कमिश्नरी बहुत महत्वपूर्ण है। काशी की अपनी ऐतिहासिकता भी है, हमारी पौराणिक नगरी भी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, और देश और दुनिया जिस रूप में काशी को देखना चाहती है उसमें कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं रहनी चाहिए, किसी भी स्तर पर। इसलिए इस पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले 6 वर्षों के दौरान काशी ने विकास की एक नई यात्रा प्रारंभ की है, और उस विकास यात्रा का लाभ काशी को ही नहीं, आसपास के सभी जनपदों को और पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। इसलिए वहां पर चलने वाली प्रत्येक योजना को हमें इस बात को ध्यान में रख के करना होगा कि उसकी समयबद्धता और कार्य के मानक की गुणवत्ता को हर हाल में बनाते हुए हम इन परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य करें। शासन में जो धनराशि के लिए जिन योजनाओं का हमें भेजना होता है उसका यूसी समय पे भेजें, और फिर पत्राचार करते हुए इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। जहां पे भूमि की उपलब्धता का कार्य होना है वहां पे समय से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कार्रवाई हमारी होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी और अमृत योजना से जुड़ी भी तमाम परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा हुई है। काशी में स्मार्ट सिटी ने अच्छा काम किया है, और मैंने पिछली बार भी कहा था कि माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके एक ठोस रणनीति वहां पे बननी चाहिए और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। अमृत योजना के अंतर्गत पेयजल की योजना, पार्कों के चयन की प्रक्रिया या सीवर लाइन की प्रक्रिया, ये तब तक इनकी उपयोगिता कैसे हम साबित कर पाएंगे? अगर हम पाइप पेयजल की योजना कहीं लागू कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, एक तो कार्य समयबद्ध ढंग से हो, दूसरा कनेक्शन, पेयजल का कनेक्शन जब तक हम घर घर नहीं पहुंचाएंगे तब तक उसकी उपयोगिता नहीं, इसलिए उस प्रक्रिया को तेजी के साथ जोड़ना, सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराना। अभी हम टारगेट को कैसे अचीव कर पाएंगे इस पर हमारा पूरा जोर होना चाहिए, और जो मामले शासन में है शासन स्तर पर भी समय पे निर्णय लेकर के इस कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया जाए, जिससे परियोजनाएं कोई भी अधूरी न रहे। हर एक स्तर पर बरसात के समय सड़कों में गड्ढे बने हैं, वह सड़क पीड़वल्डी की हो, नगर विकास की हो, ग्राम्य विकास पंचायती राज की हो, गन्ना विभाग की, सिंचाई विभाग की, आरईएस से जुड़ी हुई या किसी भी विभाग की हो, हमारा प्रयास होना चाहिए कि पर्व और त्योहार के पहले पहले इन सभी कार्यों को हम गड्ढा मुक्त, सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लें, और जहां पे नव निर्माण की कार्रवाई होनी है
वहां पर कार्य के मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए भी इस कार्य को त्वरित गति से आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ कर लें। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना या स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनने वाले शौचालय, बने हुए शौचालय, इनका 100% जियो टैग किया जाना चाहिए और इन कार्यों के लिए भी जवाबदेही हर स्तर पर तय होनी चाहिए। धनराशि अमुक्त होने के साथ ही कार्य, जिस कार्य के लिए धनराशि हो, उस पैसे का उपयोग उसी में हो। अगर हमारी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो हो सकता है लाभार्थी किसी अन्य कार्य में पैसा खर्च कर सकता है। ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, इन चीजों को हम लोग तत्परता के साथ लेकर के कार्य करें। सामुदायिक शौचालय और ग्राम सचिवालय का निर्माण उन ग्राम पंचायतों में होना है, ग्राम सचिवालय का निर्माण जहां पे पंचायत भवन नहीं है, और हर एक ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण होना है। लेकिन अभी भी भूमि के चयन की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा वहां पे जनपद स्तर पर लापरवाही है। अब पंचायत भवन के साइट चिन्हांकन की ही स्थिति है। जौनपुर में 208 ग्राम पंचायत ऐसी है जहां पे अब तक साइट चिन्हांकन नहीं हुआ है। चंदौली में 106, वाराणसी में 18। जिलाधिकारियों के स्तर पर जो पंचायत भवन लंबित प्रशासनिक स्वीकृति के लिए लंबित पड़े हुए हैं, जौनपुर में 273, गाजीपुर में 78, चंदौली में 64 और वाराणसी में 30। हम जनप्रतिनिधियों के साथ, माननीय विधायकों के साथ बैठे हैं, माननीय सांसद गण आते हैं उनके साथ भी बैठे हैं, और इन प्रक्रियाओं को हम तत्काल संपन्न करके ये बहुत बड़ा कार्य होगा। गांव को एक अच्छा सचिवालय मिल जाएगा, ग्रामीण स्वच्छता में एक सामुदायिक शौचालय मिलने पर गांव में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए लोगों को जहां तहां गंदगी करने के लिए नहीं मजबूर होना पड़ेगा, और इन शौचालयों को स्वच्छता के साथ भी जोड़ें। पंचायती राज के साथ बातचीत करके कैसे हम इन कार्यों को संपन्न कर सकते हैं इसको हम तत्काल करें। गौ आश्रय स्थल हर एक जनपद में हम लोगों ने धनराशि दी है, लेकिन गौ आश्रय स्थल के बारे में और निराश्रित गौ वंश के बारे में सरकार ने समय समय पर अनेक योजनाएं प्रारंभ की, लेकिन अभी तक हम लोग उसके लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं तैयार कर पाए हैं। हमें चाहिए इसको हम तत्काल लागू करें। जहां पे किसानों को निराश्रित गोवंश देना है उसको एयर टेक करते हुए उन्हें उपलब्ध करवाना, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना। जहां पे निराश्रित गौ आश्रय स्थल प्रशासन स्वयं संचालित कर रहा है, वहां पे हमारा प्रयास होना चाहिए कि वहां पे उनका रख रखाव ठीक हो, जन आस्था पर किसी भी प्रकार की ठेस न पहुंचे, इन चीजों को हमें वहां पे देखना चाहिए। कोविड-19 के दौरान आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने काफी बड़ी घोषणाएं की हैं। इसमें जितने भी प्रवासी कामगार और श्रमिक आए हैं इन्हें अधिकाधिक मात्रा में रोजगार के साथ जोड़ना, इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सेवा योजना और रोजगार से संबंधित एक आयोग के गठन करने के साथ ही हर एक जनपद में कुछ कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए कहा। हम उसको युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य करें। साथ ही साथ हर विकास खंड स्तर पर एफपीओ के गठन की प्रक्रिया माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके, या फिर वहां पे भंडारण क्षमता बढ़ाने, वहां पर कोल्ड स्टोरेज की एक चेन स्थापित करने का कार्य भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। बहुत तीव्र गति से निर्णय लेने और बहुत स्पीड के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तब हम इसमें सफल हो पाएंगे। ये पूरा क्षेत्र पर्यटन के विकास की दृष्टि से भी बहुत संभावनाओं को लेकर के चल रहा है। काशी में ही आप देखेंगे तो विश्व स्तरीय पर्यटन की सुविधाएं पिछले 6 वर्ष के अंदर बढ़ी हैं, और बहुत सारी अन्य सुविधाएं वहां पर देने के अलावा आसपास के जनपदों में भी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके उसकी एक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम को हम स्थानीय स्तर पर तय करें। स्थानीय विवाद होते हैं, पिछले मंगलवार को संपूर्ण समाधान दिवस प्रारंभ हुआ है, हम लोग प्रयास करें थाना समाधान दिवस के कार्यक्रम भी अब प्रारंभ हो जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्थानीय स्तर पर जुड़ी हुई जो समस्याएं उसका समाधान करने, और जनपद के अंदर जो भी आपसी विवाद हैं उसका, विवाद का समाधान का रास्ता हमें
इन दिवसों के अंदर करने का कार्य कर लेना चाहिए। ये चार दिवस आपके लिए हर महीने में प्राप्त हो जाएंगे और फिर हम लोग अगर स्पॉट विजिट करने के लिए संबंधित अधिकारियों को बाध्य करेंगे, बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः होता हुआ दिखाई देगा। हमें इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। काशी में मंडवाडी स्टेशन का नाम बदल करके बनारस स्टेशन हो चुका है। शासन स्तर पर भी इसके बारे में निर्णय लिया जा चुका है। मुझे लगता है इस प्रक्रिया को वहां पे पूरा करने की कार्रवाई कर देनी चाहिए। हाँ, तो तत्काल इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ODOP के अंतर्गत जो हर एक जनपद का एक उत्पाद है, हम इसको प्रमोट करने का तो कार्य करें ही, लेकिन विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत भी जो कार्य योजना प्रदेश शासन के द्वारा भेजी गई है, इसको भी हम तेजी के साथ करें, क्योंकि इसमें 16-17 कैटेगरी ऐसी है जिससे जुड़े हुए लोग सीधे लाभान्वित होंगे और ये रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। आत्मनिर्भर गांव या ग्राम स्वराज की गांधी जी की परिकल्पना को साकार करने का एक बहुत अच्छा माध्यम बनेगा। हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 10 करोड़ तक की परियोजनाओं का हमने अब तक समीक्षा की है और मैं चाहूंगा कि जनपद स्तर पर माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके जिला प्रशासन 10 करोड़ से नीचे की भी परियोजनाओं की समीक्षा करें, क्योंकि ये हमारी कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा, लोगों की सुविधाओं को और अच्छा करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। प्रत्येक कार्य की सुविधा, शासन से जाने वाली हर एक योजना का की समीक्षा होनी चाहिए, उसको समयबद्धता तय होनी चाहिए, एक टाइमलाइन हम उसका तय करें और इन कार्यों को हमें समय पे संपन्न करना चाहिए। विकास की योजनाओं को बनाते समय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को भी ध्यान में रख करके हमें इन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजनाएं भी हम लागू करेंगे, अन्य योजनाएं लगेंगे। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की आज बैठक हुई है, इसमें सभी लीड बैंक के साथ साथ सभी बैंकर्स ने आश्वासन दिया है कि वे पर्याप्त मात्रा में लोन देंगे और राज्य स्तर पर MSME यूनिट को अब तक हम लोग प्रदेश यानी जनपद में प्रदेश में 7.5 लाख से अधिक MSME यूनिट को हम लोगों ने लोन की सुविधा से जोड़ने का कार्य किया है। काफी बड़े पैमाने पर लोन वितरण का कार्य हुआ है। जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ हमें बैठना पड़ेगा, लीड बैंक को हमें इसके साथ जोड़ना पड़ेगा और हर एक बैंक को टारगेट देना पड़ेगा। जब हम इस कार्य को करेंगे और वहां पे अगर हो जाता है तो जनप्रतिनिधियों के हाथों उस कार्यक्रम को अगर हम ऑनलाइन भी शुरू कर देंगे तो एक बड़ा कार्य वहां दिखाई देगा। इस पे रुचि लेनी पड़ेगी, इस कार्य को हम देखें। MSDP योजना के अंतर्गत जो परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तत्काल उनके प्रस्तावों को जो राज्य स्तर पर लंबित हैं, राज्य सरकार के पास, जो भारत सरकार के पास जानी भारत सरकार के पास भेज करके उन परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य करें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि किसी भी परियोजना में एस्टिमेट रिवाइज करने की नौबत ना आए, और यह नौबत तभी नहीं आएगी जब हम समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये हर एक स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए प्रत्येक विकास की परियोजनाओं का। ये विकास की परियोजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ने लग जाएंगी तो मेरा यह मानना है कि विकास की इन परियोजनाओं के आगे बढ़ने के साथ ही रोजगार के सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी और विकास तीव्र गति से होते हुए दिखाई देगा। लोग स्थानीय स्तर पर कार्य लोगों को मिलेगा तो पलायन नहीं होगा, हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग जनपदों में जो प्रस्ताव दिए हैं, शासन स्तर पर भी वे अधिकतर नोट हुए हैं। गाजीपुर और चंदौली में जो कटान की बात सामने आई है गंगा नदी से, उसके बारे में टेम्पररी अरेंजमेंट जनपद स्तर पर तत्काल करते हुए उसका एक प्रोजेक्ट बनाकर के शासन में भेजें, जिससे जैसे जलस्तर नीचे होगा तो परमानेंट उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। विद्युत आपूर्ति के बारे में जर्जर तार और पोल के बारे में भी जो जनप्रतिनिधियों ने आशंकाएं व्यक्त की हैं और उससे घटित होने वाली घटनाएं हैं उसके बारे में भी
विद्युत ऊर्जा विभाग इसके बारे में एक बार चिंता कर लें, उसको देख लें, त्वरित गति से उस समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। और जो अनमन्य विद्युत आपूर्ति है, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में उतनी आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित करने, ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसके ट्रांसफार्मर को बदलने की प्रक्रिया को हमें तेजी के साथ समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, ये तो हम सुनिश्चित करें ही। साथ साथ नगर विकास और पीडब्ल्यूडी से जुड़ी हुई जिन परियोजनाओं के बारे में माननीय जनप्रतिनिधियों ने आज अपनी बातें रखी हैं, उसका भी समयबद्ध ढंग से हम निस्तारण करने का कार्य कर लें, ये मेरी आप सबसे अपेक्षा होगी। मैं एक बार फिर से विकास की परियोजनाओं में रुचि लेने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और कोविड 19 के बावजूद प्रशासन भी अपने स्तर पर विकास की परियोजनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है, एक अच्छा प्रयास है। हम इसको और भी अच्छी गति से हर एक विभाग की जवाबदेही को आगे बढ़ाते हुए कार्य करेंगे, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी।